अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दुर्चीन साहिबा, जो सीनियर रहनुमा है BAP ख़वातीन विंग की। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है IT में, लेकिन इन्होंने IT के बजाय पॉलिटिक्स में शमूलियत अख्तियार की। वो ये समझती हैं कि बलूचिस्तान की पसमानदगी और दीगर वजूहात के साथ साथ ख़वातीन का आगे ना आना भी एक बहुत अहम मसला है। तो आज हम इसी मौजू से रिलेटेड आज इनसे गुफ्तगू करेंगे अपने स्टूडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे शुक्र अदा का। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, IT में तालीम हासिल करने के बाद वो कौन सी वजूहात थी कि आपने पॉलिटिक्स में शमूलियत अख्तियार की? देखिए, सियासत में आना, आप ये समझें कि एक जितने भी आपके सियासी रहनुमा होते हैं, जो मेरा नज़रिया है वहाँ से, मैं ये सोचती हूँ तमाम सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो सामाजिक कारकुन होते हैं वो समाज के लिए काम करते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ काम कर सकूं, उनके कुछ काम आ सकूं। ऐसे बिंग मरी कबीले से मैं ताल्लुक़ रखती हूं, तो एक मरी कबीले के तरफ से आना एक खातून का मेरे ख्याल से एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क भी है, लेकिन मैं ये चाहती हूं मुझे देखकर बाकी जो हमारे मरी कबीले की ख़वातीन वो भी मोटिवेट हों और वो भी ये स्टेप उठाएँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरे लिए भी क्रिएट हुए थे, क्योंकि जहाँ पर बाकी फील्ड्स हैं, जहाँ पे आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं, ख़वातीन आपके इंजीनियर्स हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल फिगर क्यों नहीं हो सकते? तो क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल फिगर आपको इसलिए भी होना चाहिए, इस तरह की काफ़ी ख़वातीन हैं जो अपने घर से अपने राइट्स के लिए नहीं निकल सकते, तो हो सकता है मैं उनकी आवाज़ बनकर दुनिया को जो है ना उनका दर्द सुना सकूँ, या उनको किसी भी तरीके से मैं फैसिलिटेट करूँ, या उनको अवेयरनेस किसी भी तरह से मैं दे सकूँ कि वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं। खुद नहीं बढ़ सकी, जो उनका ख्वाब था वो उन्हें पूरा नहीं कर सकती, तो हो सकता है बाकी जो उनकी बच्चियाँ हैं, उनकी जो न्यू जनरेशन है, वो उनको आगे सपोर्ट कर सके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कबायली मुआशरे का हिस्सा होते हुए आपने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, तो यकीनन आपको हैरासमेंट का सामना तो करना पड़ा होगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, तो वो कौन सी मुश्किलात थी और आपने उनका कैसे सामना किया? देखिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो आपके लिए मुश्किल सबसे काम यही होता है जब आप अपने समाज से पहले आप अपने घर से लड़ते हो, अपने ख़ानदान से लड़ते हो, तो सबसे पहले मुझे वही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरी अपनी फैमिली मेरे अगेंस्ट गई, मुझे काफ़ी लोगों ने ये कहा कि भाई हमारी बच्चियों की तस्वीरें नहीं होती हैं, वो मीडिया पर नहीं दी जाती हैं, हमारी बच्चियाँ जो है ना वो तालीम हासिल करती हैं, उसी शोबे में आगे बढ़ती हैं, डॉक्टर्स बनती हैं, इंजीनियर, आप वहीं पर जाएँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्यों, मैं मुझे दूसरे ख़वातीन की आवाज़ बननी है, मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। ये भी एक ऐसा फील्ड है जिसे हमें, इसको भी हमें तरजीह देनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि जो इंसान घर से बाहर निकले वो ख़राब हो, लाजमी नहीं है जो इंसान, जो खातून पॉलिटिक्स में आए, भाई हमारे पॉलिटिक्स में कितनी इज्जतदार ख़वातीन हैं जो पहले भी बैठी हुई हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर होकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कोई मुझसे इंस्पायर होकर आगे बढ़े। आप क्या समझती हैं कि आज के दौर में ख़वातीन किस हद तक आज़ाद हैं? देखें, जहाँ तक पढ़े लिखे लोगों की बात है, मुझे लगता है कि उनकी जो पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं, उनकी ख़वातीन तो हर तरह की आज़ादी उनको जो है ना मैसर है, लेकिन कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकलना, वो ये समझते हैं कि वो आज़ाद नहीं है, वो उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते दुनिया में जिस तरह से हम करते हैं। उनके नज़रियात, उनके जो वालदैन या भाई हैं, वो ये सोचते हैं कि उनकी बच्चियों का बाहर निकलना वो एक गंदे समाज में जो है ना एंटर होना है, या फिर वो जो है ना घर से बाहर जब कदम निकालेंगी या तालीमी शोबे में जाएंगी तो वो जो है ना ख़राब हो जाएंगी या वो तेज़ हो जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हैरेसमेंट और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो लॉज़ हैं इस वक्त जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं और बिल्कुल बलूचिस्तान में मौजूद हैं, उन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो जहाँ तक आप वुमेन हैरेसमेंट की बात करते हैं या चाइल्ड हैरेसमेंट की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर सारे मुसलमान भाई हैं, इसके अलावा इंसानियत तो सबसे मेन है, ठीक है ना। जब हमारे ही मुसलमान उठकर इस तरह की हरकत करेंगे, आप एक बात मुझे बताएं, सबसे पहली बात तो हम ख़वातीन हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो है ना सबसे पहले हमें घर से निकलते हुए कितने इश्यूज़, कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसी मुश्किलात के बीच में कोई इंसान ऐसे आकर इज्जत को पामाल कर दे या इस तरह का कोई स्टेप उठाए, मेरे ख्याल से ये बहुत एक
स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन इस पर लेना चाहिए। और जिस तरह के लॉज इन पे बनाए गए हैं मेरे ख्याल से वो बहुत ज़बरदस्त हैं। पहले भी कुछ दिनों पहले भी इस तरह के कुछ वाकयात हुए थे जिन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे, उनसे मैं बहुत खुश हुई थी, मुझे काफ़ी इससे दिल से सुकून मिला था। क्योंकि जो बच्चियाँ अपने घर से निकल नहीं सकती हैं, बहुत मुश्किलों से पेरेंट्स उनको निकलने की जब इजाज़त देते हैं, आप किसी की मजबूरी को भी तो समझें ना। हर इंसान गलत हो ये ज़रूरी नहीं होता, तमाम ख्वातीन गलत हों ये ज़रूरी नहीं होता, कुछ अपनी मजबूरी से भी निकलती हैं घर से। लाजम तो नहीं है हर घर से निकलने वाला शख्स बुरा होता है, किसी का वालिद नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं, कुछ भी इस तरह के किसी का शौहर नहीं है, तो हर एक अपना घर तो सभी को चलाना पड़ता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सभी को भूख लगती है, सबको अपने घर के लिए तो कमाना पड़ता है। तो जाहिर है जब इस तरह के कामों के लिए जब वो बाहर निकलते हैं तो वी शुड सपोर्ट देम, ना कि उनके हम पंख काट दें। जी अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कोरोना के बायस जो स्कूल्स की सूरत हाल है कि वालदेन जो हैं वो अपने बेटों को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बेटियों को निकाल रहे हैं स्कूल से, तो इसको इस मसले को आप किस हद तक किस तरीके से देखती हैं? देखिए कोरोना जो है ना वो कोई आप ये नहीं कह सकते कि किसी बंदे ने फैलाया है या कोई, ये तो आलमी वबा है, एक जो अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है, ये तो आलमी वबा है। तो इसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि लड़के को नहीं लग सकती या लड़की की जो है ना शादी मस्ट है तो उसकी आप शादी करवा दें या उसको जो है स्कूल से निकलना है ये इसका रेमेडी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं सबसे पहली बात तो पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आपके बच्चे या बच्चियों की दोनों की बराबर एजुकेशन, चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए ही मस्ट होता है, बल्कि बेटी के लिए ज़्यादा मस्ट होता है, क्योंकि उसे किसी और के घर जाना होता है, आपको उसके फ्यूचर का नहीं पता होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। तो जब वो एजुकेटेड होती है, एजुकेशन हासिल करेगी या एजुकेटेड होगी, तभी तो वो आगे बढ़ के अपने मसले मसाइल हल कर सकेगी और दूसरा उसकी आने वाली जेनरेशन को भी वो सिक्योर कर सकेगी। अच्छा एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि इस वक्त ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में 5% है, इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में कि 5% से बढ़ाकर 33% तक कर दी जाए, इस हवाले से आप क्या कहती हैं, क्या आप BAP के रहनुमा के तहत आप इसको किस नज़र से देख रही हैं? देखिए बहुत अच्छा एक स्टेप होगा अगर हम इसे उठाते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है कि हम ख़वातीनों को भी सामने लेकर आ रहे हैं। इससे जो हमारी दूसरी ख़वातीन हैं जो पॉलिटिक्स से दूर हैं या फिर इस तरह की ख़वातीन हैं जो अब तक पॉलिटिक्स में थी, उनको राइट्स नहीं मिले, उनको भी मौका मिलेगा खुद को सर्व करने का। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, इसे ज़रूर उठाना चाहिए। अच्छा आप मुझे बताइए कि आप बलूचिस्तान की ख़वातीन को पॉलिटिक्स में शमूलियत और दीगर शोबों में शमूलियत इख्तियार करके अपना किरदार अदा करने के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी देखिए आप लोग ख़वातीन भी मर्दों के बराबर ही, उनका शाना बशाना ही खड़ी हो सकती हैं। देखिए आजकल मैं आपको एक बात बताऊँ, चाहे वो किसी भी दौर में हो, ख़वातीन मर्द बिना किसी, एक कहावत भी तो है किसी मर्द की कामयाबी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है, तो आप मर्द को भी मौका दें कि वो आपके पीछे अपना हाथ रखें ताकि आप कामयाब हो सकें, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, काइंडली आप लोग अपने जो घरों पर बैठी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली अपनी आने वाली जनरेशन ख़राब ना करें, हर किस ख़राब ना करें, प्लीज़ एजुकेशन में इनको अपनी आने वाली नस्लों को तालीम हासिल कराने में उनकी हेल्प करें, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो या फिर आपकी नंद हो, जो भी हो, काइंडली उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको जो है ना आप लोग इग्नोर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी दुर्जीन मरी साहिबा, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और ख़वातीन को आगे बढ़ने की तलकीन की और वेमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स को 33% तक करने की भी आपने इसमें हिमायत दिखाई अपनी, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया।